स्वागत है आपका हमारे रॉक नटराज व्लॉग्स चैनल के अंदर। मोटिवेशन से भरे, विचारों से भरे इस चैनल के ऊपर आपको हर रोज वीडियो देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के लिए। एक अच्छे व्यक्ति को बुरा व्यक्ति क्यों बनना पड़ता है बताऊंगा मैं इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और इतना ही नहीं बल्कि एक अच्छा व्यक्ति कैसे बनता है और एक बुरा व्यक्ति कैसे बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए और भरपूर मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अच्छा व्यक्ति किस तरह बनता है और बुरा व्यक्ति किस तरह बनता है बताता हूँ। सबसे पहले तो एक अच्छा व्यक्ति बनता इस तरह है, उसका जन्म होता है, फिर उसके आजू बाजू में उसके माता पिता, उसके भाई बहन या उसके मित्र जिस तरह रहते हैं, उसके उन लोगों के किस तरह गुण है उसी तरह वो बच्चा भी बनता है। दोस्तों समझ लो, उदाहरण के लिए आप ही वो बच्चे हो और आपके अगल बगल बुरे लोग रहते हैं तो आप भी बुरे ही बनोगे, क्योंकि दोस्तों संगत का बहुत ही ज़्यादा इंसान के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे, बुरे गुण आएंगे आपके अंदर। पर दोस्तों आप एक अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो अच्छे ही बनोगे। इसलिए दोस्तों हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना शुरू कर दो, बुरे मत बनो बल्कि अच्छा बनना शुरू कर दो। कभी भी किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत, क्योंकि दोस्तों याद रखना हमेशा अच्छे लोगों का अच्छा होता है, बुरे लोगों का हमेशा बुरा ही होता है। और आप जो चाहो वो कर सकते हो अपने जीवन में। आप चाहो तो इस दुनिया पे राज कर सकते हो। सिर्फ दोस्तों मन में ठान लो, और सिर्फ मन में ठान लेने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसके ऊपर आपको काम भी करना पड़ेगा। दिन रात एक करके मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहाँ सफल होंगे। और दोस्तों इस तरह बनता है एक अच्छा व्यक्ति, आपके अगल बगल जिस तरह लोग होंगे उसी तरह आप भी बनोगे, अच्छे या बुरे। और दोस्तों इसमें गलती आपकी भी है अच्छा या बुरा बनने की। दोस्तों धीरे धीरे आप बड़े होते हो फिर आपको पता चलने लगता है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, सही क्या होता है, गलत क्या होता है। फिर आप अपने मन से निर्णय लेते हो, आप अपने गुण से खुद ब खुद आप जो चाहो वो करते हो, क्योंकि दोस्तों आपको समझ आ जाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आपके हाथों में आपको अच्छा बनना है या बुरा, इस तरह एक अच्छा व्यक्ति बनता है। पर एक अच्छे व्यक्ति को बुरा क्यों बनना पड़ता है दोस्तों? इस दुनिया में कोई अच्छा है तो उसे भी लोग बुरा बना देते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी अच्छा व्यक्ति हो या अच्छाई सच्चाई हो ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि दोस्तों बुरे मार्ग पे चलते हुए हमें बहुत कुछ मिलता है। ये सच है कि हमें बुरे मार्ग पे चले तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, सुख मिलेगा, कभी दुख नहीं मिलेगा। और उसके साथ ही में हम जो चाहे वो हमें मिलेगा। पर दोस्तों हमेशा याद रखना, बुरे मार्ग से इस दुनिया में कुछ भी हासिल करो वो कभी भी आपके साथ अंत तक नहीं टिकेगा, पर आप उसके साथ ही में अंत तक टिकेगा भी नहीं, और उसके साथ ही में उन कर्मों का फल भी आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। इतना बुरा कर्मों का फल, बहुत ज़्यादा बुरा फल होगा आपको उसके। उतना ही नहीं बल्कि उसके साथ ही में आप जब अगले जन्म में इस धरती पे आओगे तब भी आप किसी कीड़े मकोड़े के ही रूप में आओगे। और इतना ही नहीं बल्कि आपको जब आप नरक में ही जाओगे बुरे कर्म करोगे तो, पर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करो, और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, और उसके साथ ही में वहाँ आपको लावा रस में जो वहाँ के राक्षस होंगे वो आपको तलेंगे, उसके साथ ही में आपको मारेंगे पीटेंगे। और आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कुछ वहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आपकी आत्मा है, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, लगेगा
आपको दर्द ही नहीं होगा। पर नहीं दोस्तों, जिस तरह यह धरती पे हमें कुछ भी लगे, हमें कुछ भी पत्थर लगे, चोट लगे, तो हमें वो महसूस होता है। और उसी तरह स्वर्ग में या नर्क में वह आत्मा को महसूस होता है। इसलिए दोस्तों, कर्म हमेशा अच्छे और सच्चे रखना। और दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रह पाता, क्योंकि दोस्तों उसे एक अच्छा व्यक्ति अच्छा ही बनना तय कर लेता है। वो थोड़ा बड़ा होने के बाद तय कर लेता है कि मैं अच्छा बनूंगा। पर दोस्तों, अच्छे बनने के बाद इतनी ज़्यादा तकलीफ, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ मिलती है कि इंसान ऐसा सोचने लगता है कि बुरा बनना ही अच्छा था। और धीरे धीरे वो देखता है कि बुरे लोगों को बहुत कुछ मिलता है, तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता और बुरे लोगों में शामिल हो जाता है। और इसी तरह दुनिया में कोई भी अच्छा व्यक्ति बनता ही नहीं, बचता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, सभी लोग बुरे बन जाते हैं, और जब सभी बुरे बन जाएंगे तो बुराई का ही राज होगा। ऐसा सोच रहे हो? नहीं, हमेशा याद रखना, बुरे लोगों की संख्या कितनी भी हो, बुराई की रफ्तार भी कितनी भी हो, पर हमेशा याद रखना, अच्छाई की ही विजेता अच्छाई ही होती है। इसलिए अच्छे मार्ग पर चलोगे तो आगे चल के बहुत कुछ हासिल होगा, पर बुरे मार्ग पर चलोगे तो अभी बहुत कुछ हासिल होगा पर वो अंत तक नहीं टिकेगा। पर दोस्तों, आप अच्छे मार्ग इस दुनिया में अच्छे मार्ग से कुछ भी हासिल करोगे तो आपके साथ अंत तक टिकेगा। इसका मतलब यह है कि आपका अंत होने तक, पर दोस्तों आप उस चीज़ को या जो भी वो चीज़ है उसे आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो क्या पता वो अगली पीढ़ी भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर पाए, वो कुछ भी हो, धन दौलत सफलता। इसलिए दोस्तों, कुछ भी हासिल करना चाहते हो तो अच्छे और हमेशा एक सच्चे मार्ग से ही करना। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है और बुरे लोगों की ज़्यादा ही है, बुरे लोग बहुत ही ज़्यादा है इस दुनिया में। पर याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे लोग मिट जाएंगे इस दुनिया से, और फिर से वो चक्कर चलता रहेगा। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, पर दोस्तों हम इस धरती पे आने से पहले सभी एक ना एक व्यक्ति इस धरती पे आने से पहले यह राज हुआ करता था डायनासोर्स का, जो कि आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। पर दोस्तों, आपको बता दूँ, हमसे पहले, इंसानों से पहले यह राज करते थे डायनासोर्स। जिस तरह डायनासोर्स बुरे थे, उसी तरह एक दूसरे का शिकार करते थे। एक साधारण खाना खाने से वो ऐसा सोचते, मांसाहारी खाते, और वो एक दूसरे का शिकार करते थे और वो बुरे बन जाते थे। और जो बुरे थे, और बुरे नहीं बल्कि जो बुरे थे उनकी वजह से जो अच्छे डायनासोर्स थे उनका भी अंत हो गया। दोस्तों, अक्सर हुआ ऐसा कि दोस्तों एक वो बहुत ज़्यादा शिकार करने लगे, और फिर एक आया मिटरॉयड और वो धरती से टकरा गया। फिर हो गया इस धरती पे हर एक डायनासोर का अंत। और जब सबका अंत हो गया, तब बचे सिर्फ जमीन। इस धरती के नीचे जो जमीन थी, उसके नीचे जिस तरह एक गिलहरी होती है जो कि इस वक्त पे है, उसी तरह हम पहले थे एक गिलहरी की तरह, एक छोटे से एक चूहे की तरह। फिर वो हम तो जमीन में रहते थे, तो मेटेरॉयड का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, फिर हमारा परिवर्तन हुआ एक जानवर के अंदर, और उस जानवर का नाम है मंकी। जी हाँ दोस्तों, मंकी। और वही मंकी धीरे धीरे एक इंसान के रूप में आ गया, और हम इंसान अपनी संख्या बढ़ाते गए। और याद रखना, हमारे इन बुरे कर्मों की वजह से जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी उसका फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, दूसरे लोगों का पाप अपने सर पे मत लो और अच्छे कर्म करो, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उसी तरह एक मिटीरॉयड पड़े इस धरती पे गिरेगा, और फिर हर एक व्यक्ति का अंत हो जाएगा।
इसलिए अच्छा बनना सीखो और अच्छे बनो। बुरा बनना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों, पर दोस्तों जो बुरे लोग हैं वो बुरे मार्ग पर चलते हुए भी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूँ। पर दोस्तों याद रखना बुरे मार्ग पे चलोगे तो बुराई होगा। दोस्तों आप लोगों को तो फंसा दोगे इस धरती पे, जो भी लोग हैं उन्हें तो आसानी से फंसा लोगे, पर याद रखना भगवान को फंसा नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान हर एक चीज़ जानते हैं, आपके हर एक कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे रखो। आपने जो इस वीडियो को सुनने से पहले जितने भी बुरे कर्म किए हैं उन्हें आप सुधार सकते हो तो सुधारो, पर दोस्तों नहीं सुधार सकते तो कोई बात नहीं, उसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। किसी के बदले किसी के प्रति आप कपट छल करोगे तो उसका भी आपको किसी ना किसी दूसरे रूप से आपको वही कपट छल आपको वापस मिलेगा। हमेशा याद रखना आप जो दूसरे लोगों को दोगे वही किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगा। आप किसी को सुख देते हो, प्रेम देते हो, खुशी देते हो, तो वही खुशी वही प्रेम और वही सारी चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे रूप से आपको मिलेगी। दोस्तों हमेशा याद रखना आप जो दूसरों को दोगे वही आपको आगे चल के किसी ना किसी रूप से मिलेगा। इसलिए सबका अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। कर्म के ऊपर ही निर्भर होता है कि आपको आगे कौन सा फल मिलेगा और क्या फल मिलना चाहिए और क्या मिलेगा। इसलिए दोस्तों कर्म हमेशा सही रखना, और दोस्तों सोच बड़ी है तो कुछ भी आप बड़ा कर सकते हो। दोस्तों हमेशा याद रखना एक छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी भी एक बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, पर हाँ वो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर दे तो हाँ क्या पता वो सफलता हासिल कर दे। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखना। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ही कर सकता है और बड़ा ही कर दिखाएगा। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखो। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ही कर दिखाता है। इसलिए सोच हमेशा बड़ी रखना। और दोस्तों इस वीडियो में आपने जो भी जाना सुना देखा उन सारी चीज़ों को सिर्फ सुनने का या देखने का ही कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप सुने और अपने जीवन में भी उतारें तो ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने का। लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। और दोस्तों हमारे इस चैनल के ऊपर हर रोज़ ऐसे मोटिवेशन से भरे और अनमोल विचारों से भरे वीडियोस हर रोज़ आपको सुबह शाम देखने को मिलते हैं। इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।